हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। उसके पहले बात करते हैं व्हाट इज अ हीट ट्रांसफर। सो हीट ट्रांसफर क्या होता है और हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। सो द हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है That is in the thermodynamics we are dealing with a quantity of heat transfer. We are dealing with only the quantity of heat transfer, but not the rate at which the heat is going to transfer. So thermodynamics quantity. So you need to remember these keywords and heat transfer rate of heat transfer. Going to be transfer. So basically, thermodynamics में हमें ये तो पता चल जाता है कि heat transfer होने वाला है और कितना होने वाला है, लेकिन किस rate से होने वाला है वो हमें पता चलता है heat transfer के subject में जा करके। So what is a heat transfer? So let's say there is a two body, body one and body two, and when you are maintaining the contact by any means, we will study the modes of heat transfer. The heat is going to transfer from body one to two. Let's say T1 is greater than T2. So ये heat जो flow हो रही है वो किस rate से flow हो रही है, that study you do in the heat transfer subject. And what are the modes to transfer the heats from 1 to 2 is also going to be your topic of interest in the heat transfer subject. So yahan par sabse pehle hum modes ki baat kar lete hain. To teen modes hote hain. First one is the conduction, second one is the convection, and third one is the radiation. So सबसे पहले बात कर लेते हैं first mode की, that is conduction. तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर का मोड है इसमें क्या क्या होता है, कैसे हीट ट्रांसफर होता है? दो फिनोमिना होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेशन। अगर कोई बॉडी है, लेट्स से दिस इज द बॉडी, ये कई मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली
मूव करते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से कंडक्शन होता है। सो लेट्स से यहां पर ये बॉडी है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, देयर इज नो मूवमेंट इन द बॉडी, देयर इज नो मूवमेंट इन द मॉलिक्यूल्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। सो हम कहेंगे दैट इज अ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हीट इज गोइंग ट्रांसफर, सो हीट यहां से इधर मूव कर रही, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। मॉलिक्यूल वाइब्रेशन, दिस इज अ फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या होगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपने पोजिशन पे ही है, लेट्स से दीज आर द मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम एयर टू एयर, एयर टू एयर, एंड दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो ये दो कॉजेस होते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर को। अब बात कर लेते हैं कन्वेक्शन की। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कंडक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं कन्वेक्शन हीट, इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। कन्वेक्शन में बल्क मोशन होता है, यानी मॉलिक्यूल्स लिटरली मूव करते हैं। सो आपने कभी फ्लोइंग वाटर देखा है, दैट इज अ, लेट्स से दिस इज द हीटेड प्लेट, इसका टेम्परेचर लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहां से आप 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर फ्लो कर रहे हो। अब होगा क्या, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट लिटरली मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर, और यहां से एनर्जी को ले करके यहां पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन विच इज ड्यू टू द बल्क मोशन। अब कन्वेक्शन में बल्क मोशन होता है, लेकिन उसकी वजह डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहां पे तो हमने कुछ फोर्स लगा के इसे फ्लो किया होगा, देयर कुड बी अनदर कन्वेक्शन इन विच देयर इज ऑटोमेटिकली बल्क मोशन होता है ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड फ्री कन्वेक्शन। यहां पे ये तो फोर्स कन्वेक्शन हो गया, दैट इज अ फोर्स कन्वेक्शन। That is a force convection. एक होता है free convection. अब यहां पर heated plate है, यहां पर air है, air है, let's say. तो होगा क्या, अगर यहां पर plate 100 degree Celsius पे है तो इसके कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो दैट विल ट्राई टू राइज अप, और यहां पे कोल्डर एयर है तो दैट कोल्डर एयर विल टेक द प्लेस ऑफ द हॉटेड एयर। सो यहां पर इस तरीके से सर्कुलेशन होगा, दैट सर्कुलेशन, यहां पर ये हीटेड एयर है, दैट इज अ हीटेड एयर, और यहां पे उसका प्लेस लेने के लिए कोल्ड एयर आएगी। सो दैट सर्कुलेशन इज ड्यू टू डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस, और इसको भी हम बोलेंगे कन्वेक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड फ्री कन्वेक्शन। तो हमारे टॉपिक में दोनों ही है, फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन। सो रिलेटेड जो नंबर्स होते हैं, जैसे फोर्स कन्वेक्शन के लिए जो रिलेवेंट नंबर होगा रेनॉल्ड्स नंबर, और फ्री कन्वेक्शन के लिए जो रिलेवेंट नंबर होगा रेले नंबर, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में जब हम कन्वेक्शन की स्टडी करेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस इन द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में बल्क मूवमेंट होगा जहां पे मॉलिक्यूल्स लिटरली मूव करेंगे, कन्वेक्शन में वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। नाउ विल कम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर रेडिएशन। रेडिएशन में
आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी, नो मीडियम रिक्वायरमेंट। नो मीडियम रिक्वायरमेंट। और हीट का ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेट्स से देयर इज टू बॉडी, देयर इज नो मीडियम, हीट का ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर और फ्रॉम हियर टू हियर ऑटोमेटिकली, देयर इज अ नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट का ट्रांसफर होता है, दैट इज लेट्स से दिस इज अ T1, दिस इज T2। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर होगा वो हीट का ट्रांसफर करेगी, वो एनर्जी रेडिएट करेगी, ठीक है, उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल इज योर सन रेज, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द हीट, ठीक है। इसका भी एक अलग टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो यहां पे मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको दे दिए दैट कुड बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक कंडक्शन। थैंक यू।